सलमान की अम्मी को मॉम कहकर बुलाती है संगीता बिजलानी। ब्रेकअप के बाद एक्टर संग ऐसा है रिश्ता। संगीता बिजलानी का 9 जून को बर्थडे है। कभी संगीता बिजलानी सलमान खान संग रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा में थी। संगीता बिजलानी याद है क्या, वही एक्ट्रेस जिनके साथ सलमान खान की शादी होने वाली थी और वेडिंग कार्ड भी छप चुके थे। सलमान के धोखे ने संगीता बिजलानी को तोड़ दिया था। बाद में उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली थी। अजहरुद्दीन से शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया। पति के साथ तो संगीता बिजलानी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन सलमान संग उनका बॉन्ड आज भी कायम है। संगीता बिजलानी को अक्सर ही सलमान के फैमिली फंक्शन से लेकर फिल्मों के प्रीमियर तक में कई बार देखा जा चुका है। आखिर क्या वजह है कि सलमान के धोखे के बाद भी संगीता बिजलानी उनसे रिश्ता बनाए हुए है। कुछ साल पहले संगीता बिजलानी ने एक इंटरव्यू में सलमान से ब्रेकअप और उनके साथ अपने कनेक्शन के बारे में बात की थी। 9 जुलाई को संगीता बिजलानी का बर्थडे है। वो 62 साल की हो चुकी है। इस मौके पर हम आपको संगीता बिजलानी और सलमान के उसी रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा संगीता बिजलानी के करियर और बॉलीवुड में एंट्री के बारे में जान लेते हैं। संगीता बिजलानी ने मॉडलिंग से शुरुआत की थी और इसके बाद 1980 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। खिताब जीतने के कुछ साल बाद 1987 में संगीता बिजलानी ने फिल्म कातिल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे। डेब्यू फिल्म से संगीता बिजलानी छा गई, लेकिन फिल्म त्रिदेव ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 9 साल के करियर में संगीता बिजलानी ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितना संगीता बिजलानी के सलमान संग रिलेशनशिप की रही। दोनों ने एक दूसरे को करीब एक दशक तक डेट किया था। संगीता बिजलानी और सलमान की शादी भी होने वाली थी, यहाँ तक कि शादी के कार्ड तक छप चुके थे, पर सलमान ने जो धोखा दिया उसने संगीता बिजलानी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। संगीता बिजलानी ने हमारे सहयोगी ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर के साथ ब्रेकअप के कई साल बाद भी उनका अच्छा रिश्ता क्यों है। संगीता बिजलानी ने कहा कि कनेक्शन टूटते नहीं है, वो आपसे दूर नहीं जाते। आपके पार्टनर्स और स्कूल के दोस्तों के बीच जो प्यार होता है वो कभी खत्म नहीं होता। लोग आएंगे और चले जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई भी परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा हो जाए या मन में करवाहट भर ले। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप विकसित होने लगते हैं, सुलझे हुए हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट था जब मैं बेवकूफ थी और बचकारा थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ। जिंदगी बहुत सारे अनुभवों से भरी पड़ी है। संगीता बिजलानी भले ही सलमान के साथ घर नहीं बसा सकी, भले ही खान परिवार की बहू बनने का उनका सपना अधूरा रह गया, पर वो एक्टर की मॉम सलमा और हेलेन को मॉम कहकर बुलाती है। सलमान ने जब 9 मई 2021 मां सलमा की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्हें मदर्स डे विश किया। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।